वेलकम फ्रेंड्स, मैं शाहिद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा ट्रिक जिसका इस्तेमाल करके आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 सेकेंड में। इस तरह का क्वेश्चन वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और वेरियस इंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कम समय में हम लोग इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हम लोगों को किसी भी हाइपोटेनस की ज़रूरत नहीं है। मैं जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जो फार्मूला बता रहा हूँ, उससे आपका इस तरह के फिगर में किसी भी क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला आप लोगों को लगाना है, पाई इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इस स्क्वायर में एरिया कितना आया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 2, यही फार्मूला है क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए इस तरह के फिगर में, जिसके जिस क्वाड्रेंट के अंदर में स्क्वायर होगा उसके लिए मैं ये फार्मूला बता रहा हूँ। पाई का वैल्यू लेंगे 3.14 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वाड्रेंट का एरिया 157 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल। तो आपने देखा इस फार्मूला का यूज़ करके आप लोग कितनी आसानी से इस तरह के फिगर का क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं और फिर शेडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। तो यही ट्रिक था जो आप लोगों को बताना था। ये ट्रिक मैंने सेल्फ डेवलप किया है। इस तरह के फिगर में आप लोग क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद शेडेड रीजन का एरिया आसानी से निकल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलता रहे।